तो हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग। आप देख रहे हैं अपना इंडियन ऑटो एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने वाले एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो कि इंडिया में दोबारा से लॉन्च होने वाली है। 2019 में दोबारा से लॉन्च हो जाएगी वो गाड़ी। तो चलिए उस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। गाइज, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साइड में घंटा स्क्रीन दबा दो, जिसका फायदा ये होगा यदि कोई हम फ्यूचर में वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप हमारी वीडियो आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये वाली वीडियो। तो मारुति सुजुकी की जिप्सी आती थी पहले, तो बीच में उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से एक नए लुक के साथ और नए नाम के साथ उसका प्रोडक्शन चालू कर दिया गया, जिसका नाम है जिमी। तो जिमी नाम है इस गाड़ी का, जिसका कि जिप्सी से जिमी कर दिया, नाम चेंज कर दिया गया है। जिसका इंजन आपका होने वाला है 1500 cc का इंजन, 1498 cc का इंजन होने वाला है गाड़ी में, जो कि काफ़ी हद तक एक 4x4 गाड़ी जैसी लगती है, और है भी, लगती नहीं है, बट देखते हैं इंडिया में कैसा लॉन्च करते हैं ये मॉडल। तो अभी तक इसमें बताया जा रहा है कि इसमें यदि आप पेट्रोल में लेते हैं तो इसका 1 लीटर का इंजन है, और यदि आप डीजल में लेते हैं तो 1.3 लीटर का डीजल इंजन है इसका। और इसमें पावर बताई जा रही है 110 bhp की पावर है, जिसके साथ साथ टॉर्क 170 Nm का होने वाला है, और जिसकी टॉप स्पीड अभी तक बताई जा रही है 170 से अबव। काफ़ी अच्छी टॉप स्पीड होने वाली गाड़ी की, जो कि बिल्कुल थार का कंपटीशन करने वाली है, थार की टक्कर में, बल्कि उससे कुछ ऊपर ही, क्योंकि थार 175 पे नहीं जाती। तो इसका जो 0 से 100 जाती है तो 9.5 सेकंड में 0 से 100 जाती है, जो कि थोड़ा टाइम लेती है, बट सही है, गाड़ी इतनी जाती, इतना ही टाइम लगता है सभी गाड़ियों में। और जो इसका ट्रांसमिशन है, गेयरबॉक्स, वो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है, कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है, तो मैनुअल गियर्स हैं, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है शायद इसमें, जो कि अभी तक वेबसाइट्स के द्वारा बताया जा रहा है। तो माइलेज गाड़ी की आपको 22 की मिलने वाली है, मतलब 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलने वाली है, जो कि ठीक ठाक नहीं है, बहुत अच्छी माइलेज है। 1500 cc का इंजन यदि इतनी माइलेज देता है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इतनी नहीं देने वाला ये पता है हमें, क्योंकि इंडिया की सड़कों पर इतनी माइलेज कभी नहीं आएगी। तो इसमें बताया जा रहा है कि सिटी में देगी 18 किलोमीटर की, हाईवे पे देगी 19 किलोमीटर की, तो बस यही बताया जा रहा है। तो 22 किलोमीटर पता नहीं ओवरऑल कैसे बता दिया इन्होंने, 22 की नहीं देगी यार, ये 15 तक देगी, 15-16 तक। और देखते हैं गाड़ी के बारे में और क्या कुछ बताया जा रहा है। जो गाड़ी में आपको हेडलाइट्स मिलने वाली है वो एलईडी हेडलाइट्स मिलेंगी आपको, जो कि डे टाइम में रन करती है, जो कि डे टाइम में चलती रहेंगी, तो वो एलईडी एक मिलेगी, एलईडी लाइट आपको, जो कि BS4 इंजन में होना ज़रूरी है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको एलईडी टेल लैंप्स मिलेंगे, एलईडी लाइट मिलेगी टेल लैंप में, कोई थार में भी अब एलईडी आने लग गई, पहले वैसे आते थे हैलोजन। तो लगभग गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, लुक वाइज काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मतलब एक 4x4 गाड़ी है ये, इसको आप 4x2 में भी चला सकते हैं, 4x4 में भी, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, लुक वाइज एक नंबर एग्रेसिव लुक है गाड़ी का, काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को गाड़ी। तो देखते हैं कब लॉन्च करते हैं। इसका प्राइस अभी तक बताया जा रहा है 7 से 7.5 लाख तक का इसका प्राइस होगा, 7 लाख से इसकी स्टार्टिंग होगी और 9-10 तक इसका टॉप एंड वेरिएंट आएगा। तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पहले से लुक भी काफ़ी अच्छा है, पहले तो कुछ भी लुक नहीं था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा लुक है। तो बस आज की वीडियो में यही बताना था आप लोगों को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।